तो ये देखिए कुछ प्लांट मैंने रिपोर्ट किए हैं, कुछ जो मेरी 7 मंथ की सीडलिंग थी जिनमें कुछ में कलियां भी आ गई हैं उनको रिपोर्ट किया है मैंने 8 इंच के पॉट में, और उनका डायमीटर भी 8 इंच है और लंबाई जो मतलब नीचे का भाग है वो भी 8 मीटर है। इस तरह से देखिए ज़्यादा हाइट वाले पॉट में मैंने इनको नहीं शिफ्ट किया, और देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं प्लांट। तो ये देखिए किसी में 4 ब्रांच है, किसी में 5 है, इसमें तो 2 ब्रांच ही है, नीचे से छोटी छोटी और निकल रही हैं। कुछ ब्रांच मेरी थी मतलब 7-7, 8-8 ब्रांच भी थी, लेकिन वो मैंने भेज दिए उन प्लांट को, और अभी मैंने इसके लगभग 8-10 प्लांट बचा के रखे हैं, तो मैं उनको देखूंगी। इसमें फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं स्नेहा। आज मैं कुछ एडेनियम रिपोर्ट करने वाले। एक तो देखिए एक छोटे से 4 इंच के गमले में लगा हुआ था, और इतना बिग साइज़ का प्लांट है, आपको अगर दिखाऊँ तो बहुत ही बिग साइज़ का प्लांट है। 4 ब्रांचेस हैं, अभी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करके निकला है अभी कुछ टाइम पहले। अब इसने इतना छोटा गमला हो गया था कि इसकी वजह से थोड़ा सा देखिए इसकी अभी ऊपर से न्यू ग्रोथ भी नहीं हुई है, लेकिन इसमें 4 ब्रांचेस हैं और इसका कोडेक्स भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही हेल्दी सा कोडेक्स है। तो अगर इतना बड़ा प्लांट किसी को चाहिए होगा तो बताइएगा, लगभग 400 या 450 इसका प्राइस रखूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी बिग मेच्योर प्लांट है, एकदम बहुत ही बड़ा सा प्लांट है। आप देख सकते हैं, देखिए मेरे हाथ में छोटा दिख रहा नहीं, तो काफ़ी बड़ा है प्लांट है और मेच्योर भी है, साथ में ब्रांचेस भी 4 हैं इसमें। तो इसलिए तो अगर किसी को चाहिए होगा तो आज ही बता दीजिएगा, नहीं तो मैं कल इसको रिपोर्ट कर दूँगी। तो आज इसको मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी, क्योंकि मैंने इसको पूरा अवेयर रूट कर लिया है, और पहले तो सोचा था इसकी जो नीचे की रूट है ना वो भी गमले में फंस गई थी, जिनको मुझे थोड़ा सा कट करके हटाना पड़ा है। और भी कुछ मेरी सीडलिंग है जो मतलब कि फरवरी में मैंने रिपोर्ट किया था, जनवरी में उनको ग्रो किया था, फरवरी में रिपोर्ट किया था, तो उनको भी मुझे रिपोर्ट करना है। छोटे छोटे गमले में लगे लगे वो ना काफ़ी ज़्यादा एकदम से वो हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ 1-2 सबको तो नहीं करूँगी, लेकिन 2 में मेरे कलियाँ आ गई हैं, लगभग 7 मंथ की सीडलिंग में कलियाँ आ गई हैं, तो उनको भी रिपोर्ट करूँगी। उसी का सॉइल मीडियम मैं आज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है ये नीम की खली, ये लकड़ी का चारकोल पाउडर है, ये सिंगल सुपर फास्फेट है, क्योंकि अभी बोन मिल मेरे यहाँ ख़त्म हो गई है, तो नहीं तो मैं बोन मिल ही मिलाती हूँ। तो बोन मिल अगर जिसको पसंद नहीं है, बोन मिल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, उसको नहीं छूना चाहते, तो आप सिंगल सुपर फास्फेट उस जगह पर ऑप्शन है। मतलब कुछ मैंने लकड़ी के जो चारकोल हैं उनके बड़े पार्ट भी लिए हैं, इनको कूटना था इसलिए मैंने पाउडर ले लिया था, तो ये मैंने थोड़ा सा टुकड़ा वाला भी ले लिया, इसको मैंने थोड़ा सा कूट करके थोड़ा सा मतलब बना लिया। मैं काफ़ी ज़्यादा सारी मिट्टी बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा सा ले लिया है। इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक DAP है, ये देखिए। तो आप एक प्लांट के हिसाब से आधा चम्मच लीजिएगा, मैं मतलब कई सारा थोड़ा ज़्यादा मीडिया बना रही हूँ। और थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ पर ये पोटास, ये थोड़ी सी पोटास मैंने ले ली है, इतना हमने लिया है, बाकी हमारे पास थोड़ी सी गोबर की खाद है। वर्मी कंपोस्ट अभी मेरे गार्डन में ख़त्म हो चुकी है, आप वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट लीजिए, नहीं तो गोबर की खाद अगर आप लेते हैं तो कम से कम 2 साल पुरानी आपकी गोबर की खाद होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम मीडिया को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अब 2-3 चम्मच के लगभग मैं यहाँ पर लूँगी फंगीसाइड पाउडर, ये देखिए ये फंगीसाइड पाउडर हमने ले लिया। तो ये देखिए मिट्टी मैंने इसमें राइस हस्क मिला के रखा हुआ था, और ये देखिए इसमें थोड़ी सी मिट्टी मैं और ऐड करूँगी अभी। तो वैसे इसमें लगभग 50-50 का रेशियो है, 50% राइस हस्क है, 50% सैंड है, सॉरी सैंड और सैंड ही है, गार्डन सॉइल तो नाम मात्र की है। उसके बाद ये फर्टिलाइज़र हम इसमें ऐड कर देंगे सारे, ये देखिए। तो मिट्टी चलिए हम और ले आते हैं, जो मेरे पुराने मिट्टी निकली हुई ना एडेनियम की, उसी को मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो ये देखिए मैंने जो पुरानी मिट्टी थी उसको भी मिक्स कर लिया, इसमें डाल लिया है, और ये गोबर की खाद है, लगभग 2 साल पुरानी गोबर की खाद है, ये अभी बारिश में थोड़ा सा भीग गई है, पर कोई नहीं, इसको भी हम देखिए पूरी अच्छे से डीकम्पोज खाद है, तो इसको भी मिला लेंगे इसमें। और आप अगर वर्मी कंपोस्ट है तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर आप इतनी पुरानी गोबर की खाद लेते हैं तो भी मतलब काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए पूरी तरह से ब्लैक है, 1.5 साल से तो मेरे घर पे ही रखी है, और जब मैं लेकर आई थी तब भी बहुत अच्छी खाद थी, तो लगभग मैंने यूज नहीं किया था, 1 बोरी थी, अभी कुछ टाइम पहले मैंने सारे अपने जो परमानेंट प्लांट है उनमें दिया है, तो फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गई। इन सबको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मिट्टी तैयार कर ली है सारी चीज़ें मिला करके, इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाई है, राइस हस्क मैंने लिया है इसमें 50% के लगभग, मतलब 40% तो होगा ही, और इस तरह से मीडिया हमारा देखिए तैयार हुआ है।
और मैं इसी में अपने प्लांट रिपोर्ट करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे दो प्लांट में रिपोर्ट करने हैं, इन दोनों में देखिए मेरी सीडलिंग में कलियाँ आ गई हैं। ये 7 मंथ की सीडलिंग है और मैं इनको थोड़ा सा रिपोर्ट करने वाली हूँ। वैसे कलियाँ सोच रही हूँ कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए तो ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं दूँगी, लेकिन ये कोडेक्स काफ़ी ज़्यादा बिग हो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसको पॉट दे दूँ, मैं पॉटिंग कर दूँ, थोड़ा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा प्लांट को। चलिए इसको गमले से निकालते हैं। और भी कुछ प्लांट है जो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से हुए हैं तो उनको भी लेकर आती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने गमले को इतना भर दिया है और सीडलिंग को निकाल लिया। सीडलिंग क्या बोले हम इसको, प्लांट ही बोलते हैं आप, वैसे 7 मंथ की सीडलिंग ही होती है। ये देखिए इस तरह से निकाल लिया और इस तरह से हम इसको इसके अंदर रख करके बस इसमें पॉटिंग मिक्स भर देंगे। बिल्कुल भी ना डिस्टर्ब किए इसको प्लांट को। सॉरी टेढ़ा रखा गया थोड़ा सा। तो ये देखिए इसको मैंने रिपोर्ट कर लिया और एक दिन इसको छाया में रख दूँगी, उसके बाद मैं इसको धूप में शिफ्ट कर दूँगी। पानी आज अब नहीं दूँगी रिपोर्टिंग के बाद। तो कुछ तो सीडलिंग ऐसी वाली मुझे रिपोर्ट करनी थी, कुछ मतलब एक पैकेट में बहुत सारी सीडलिंग थी तो इसी मीडिया में मैं उनको भी लगा दूँगी। मतलब कि लगभग 4-5 महीने पुरानी सीडलिंग है लेकिन एक पैकेट में कई सारे प्लांट लगे हुए हैं तो इस वजह से इसके कोडेक्स को हम ज़्यादा नहीं दबाएंगे बल्कि थोड़ा उठा के ही लगाना था मुझे। ये देखिए थोड़ा सा अभी भी तिरछा हो गया है कोडेक्स इधर से। तो देखिए 7 मंथ का प्लांट है, सीड ग्रोन प्लांट है, इसमें कलियाँ भी बन चुकी हैं और मुझे लगता है शायद ये हाइब्रिड निकले क्योंकि ट्रिपल लेयर की कली मतलब ट्रिपल लेयर के रेड कलर के फूल से मैंने उसके सीड से मैंने इसको ग्रो किया था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फूल आएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब भी करूँगी। और दूसरा प्लांट भी है उसको भी मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ। धूप तेज़ हो गई, मुझे लगा था आज मौसम अच्छा है तो मैं कर लूँगी यहीं छत पे बैठ के, लेकिन ये मिट्टी मैं नीचे ले जाऊँगी और वहीं पर बैठी। इसको भी हमने रिपोर्ट कर लिया सेम उसी प्रोसेस से बिना उसको डिस्टर्ब के। तो ये देखिए कुछ प्लांट मैंने रिपोर्ट किए हैं, कुछ जो मेरी 7 मंथ की सीडलिंग थी जिनमें कुछ में कलियाँ भी आ गई हैं उनको रिपोर्ट किया है मैंने 8 इंच के पॉट में, और उनका डायमीटर भी 8 इंच है और लंबाई जो मतलब नीचे का हाइट वाले पॉट में मैंने इनको नहीं शिफ्ट किया। और देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं प्लांट। तो ये देखिए किसी में 4 ब्रांच है, किसी में 5 है, इसमें तो 2 ब्रांच ही है, नीचे से छोटी छोटी और निकल रही हैं। कुछ ब्रांच मेरी थी मतलब 7-7, 8-8 ब्रांच भी थी लेकिन वो मैंने भेज दिए उन प्लांट को। और अभी मैंने इसके लगभग 8-10 प्लांट बचा के रखे हैं तो मैं उनको देखूँगी इसमें कौन से फ्लावर आते हैं। कलियाँ देखिए इस कलर की आई हुई हैं, आप लोग गेस करिएगा कि इसमें कौन सा फ्लावर आ सकता है। ये वैसे ट्रिपल लेयर रेड कलर की सीडलिंग है। और ये मैंने कुछ ग्राफ्टेड प्लांट भी आज रिपोर्ट किए, इनकी जो ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी। और देखिए छोटे छोटे से कोडेक्स हैं तो इनको थोड़ा सा अच्छा पॉटिंग मीडियम मैंने दिया है ताकि इनका कोडेक्स थोड़ा सा बढ़ेगा और साथ में ये ग्रोथ भी अच्छी करेगा। तो कुछ प्लांट मैंने इस तरह से ग्राफ्टेड वाले भी रिपोर्ट किया अपने ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। अभी के लिए तो ये तैयार नहीं होंगे लेकिन नेक्स्ट फरवरी के लिए इनका जो कोडेक्स है और इनकी ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो पॉट में लगाने से प्लांट का लुक भी ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे पास इतने पॉट अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए मैं नहीं रखती। और फिर पॉट में लगाते हैं मेरे पॉट भी साथ के साथ प्लांट के चले जाते हैं जो कि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरे यहाँ अभी मैंने पता किया था, मैंने सोचा था कुछ पीस मैं इनके ले लूँ तो मुझे मिल नहीं रहे हैं अभी पॉट बिल्कुल भी। तो इसलिए बस इतने ही पॉट मैंने प्लांट रिपोर्ट किए। कुछ मैंने अभी भी 3rd फ्लोर पर रखे हुए हैं जिनको मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ। एक देखिए ये भी हाइब्रिड सीडलिंग है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, मतलब कुछ प्लांट के बदले में ही दिया था इसको। अब देखते हैं इसमें कौन सा फ्लावर आएगा। ये भी ऐसी 6-7 मंथ की सीडलिंग होगी और एक ये भी छोटे पॉट में लगा था तो इसको भी मैंने रिपोर्ट किया है। ये बहुत छोटा है, अभी उन्हीं के साथ का है लेकिन छोटे से पॉट में लगा था इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई है। और 2 ग्राफ्टेड प्लांट मैंने इनको भी रिपोर्ट किया, अभी मिट्टी पूरी फैली हुई है। एक प्लांट मैंने ये रिपोर्ट किया, देखिए इसका जो लुक है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। पता नहीं क्यों इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ हैं जिस वजह से ये अपनी अलग ही ब्यूटी कर रहा है और इसका कोडेक्स भी काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको एक हैंगिंग बास्केट में लगाया है तो अभी मैं इनको पानी किसी को नहीं दूंगी, इनको मैं रिपोर्ट करके थोड़ा सा एक दिन के लिए छाया में रखूँगी। मैंने रूट डिस्टर्ब किए बिना बस पॉट से निकाल करके इनको रिपोर्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ये धूप में भी पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी नीचे ले जाऊँगी मैं इनको। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।